दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है अमेजोन। अमेजोन के जंगल को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी देखा जाता है। इस जंगल में रहने वाले खूंखार जानवर ही नहीं बल्कि इस जंगल में रहने वाले मच्छर भी हम इंसानों की जान ले सकते हैं। और इसी जंगल से होते हुए एक बेहद ही खतरनाक नदी भी गुजरती है जिसे हम अमेजोन रिवर के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो कि हम इंसानों का जीवन बिताने में इस नदी का एक बहुत ही अहम किरदार है। मगर हैरानी की बात तो ये है, इस नदी के आसपास करोड़ों लोग से भी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आज तक इस नदी पे कोई भी पुल नहीं बनाया जा सका है। और यही चीज इस नदी के रहस्य को ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन क्या कारण है कि आज तक इस अमेजोन की नदी पे कोई भी पुल नहीं बनाया जा सका है? क्या यहाँ पे रहने वाले लोगों को कभी पुल की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर इस नदी के रहस्यमय जानवरों के डर से यहाँ पे पुल नहीं बनाया जा सका? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, अमेजोन की नदी दक्षिण अमेरिका से बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इस नदी का जल प्रवाह दुनिया की सारी नदियों से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नदी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 9 अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। इसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलिविया जैसे अलग अलग देश शामिल हैं। अमेजोन नदी की लंबाई 64,000 किलोमीटर है और इस मामले में ये नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये नदी अमेजोन के जंगलों से होकर गुजरती है, इसी की वजह से इस नदी का नाम भी अमेजोन रिवर पड़ा है। इस नदी के विशाल आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेजोन नदी का वाटर फ्लो 2,00,000 घन मीटर पानी डिस्चार्ज करती है, जो कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके अलावा अमेजोन नदी का जल मार्ग यानी कि पानी का वो हिस्सा जो कि आने जाने के लिए रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 6,992 किलोमीटर दूर के आसपास है। अमेजोन की अपनी 1,500 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं। इनमें से 12 नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1,500 किलोमीटर दूर से भी अधिक है। इन नदियों के पानी का बहाव इतना तगड़ा है कि यह एक घंटे में 2.5 किलोमीटर दूर तक भी जा सकती हैं। अगर इसी नदी में बाढ़ आ जाए तो यह बहाव कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। इन सबके अलावा एक ऐसी चीज है जो इस नदी को सबसे खास बनाती है, और वो चीज है इस नदी के चारों तरफ फैले अमेजोन जंगल के घने पेड़। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसका क्षेत्रफल 70,00,000 वर्ग किलोमीटर दूर में फैला हुआ है। अमेजोन के जंगल को पृथ्वी के लंग्स यानी कि फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंगल हमारी पृथ्वी को इस जंगल से 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। अमेजोन के जंगलों में कैसे कैसे खूंखार और जानलेवा जीव रहते हैं ये तो आपने बहुत बार ही सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, लेकिन इन जानवरों के साथ ही इन जंगल में 400 से भी ज्यादा इंसानों की अलग अलग जनजातियां रहती हैं। यहाँ पे रहने वाले कुछ ऐसे भी आदिवासी लोग हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। अमेजोन नदी इन लोगों के जीवन यापन में एक बहुत ही बड़ा किरदार निभाती है। ये लोग मछली पकड़ने, लकड़ियां काटने, यहाँ तक कि खेती के साथ साथ पर्यटन संबंधित काम इस नदियों की वजह से ही कर पाते हैं। आपको जानकर शौक लगेगा कि इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों की जनसंख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे इतने ज्यादा लोग रहते होंगे तब इन्हें तो नदियाँ पार करने की जरूरत तो पड़ती ही होगी। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि अमेजोन की नदी 9 अलग अलग देशों में बसती है, ऐसे में यहाँ पे पुल बना दिया जाए तो यहाँ के लोगों को एक दूसरे देशों में जाना बहुत ही आसान बन जाएगा। हैरानी की बात तो ये है, आज तक इस नदी पे कोई भी पुल नहीं बनाया गया। पुल न रहने की वजह से यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी छोटी से छोटी चीजों के लिए नाव पे सवार होकर नदियों को पार करना पड़ता है। तो ऐसी क्या वजह है जो इस नदी पे पुल नहीं बनाया जा सका है? क्या हम इंसान अभी इतने काबिल नहीं है? दरअसल दोस्तों, यहाँ पे बात काबिलियत की नहीं है, हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमें अमेजोन की नदी पे ही नहीं बल्कि किसी भी नदी पे कोई भी पुल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अमेजोन की नदी पे पुल ना बनने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मौसम। जब यहाँ का मौसम साफ रहता है तो नदियों की चौड़ाई ज्यादा नहीं रहती, लेकिन जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तब यही नदियों की चौड़ाई 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अमेजोन एक ऐसी नदी है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि बारिश के मौसम में ये कहाँ से और कितनी आगे बढ़ेगी। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती यही होती है कि
पुल को कहां से बनाया जाए। इसके अलावा अमेजोन नदी के किनारे मौजूद मिट्टी मुलायम होती है और ये मिट्टी पानी के बहाव के अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। ऐसे में इस नदी पे इंजीनियरों ने पुल बना भी दिया तो ये एक बारिश में टूट भी सकता है। दूसरा, ये मिट्टी के बहने के साथ ये पुल भी बह जाएगा। अगर ऐसा यहाँ पे होता है तो लाखों लोगों की भी जान जा सकती है। वैसे यहाँ पे पुल ना बनाने की वजह ये भी है कि यहाँ पे पुल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की आबादी बहुत ही कम है और वो एक से दूसरी जगहों पे जाने के लिए रोड के सहारे नहीं बल्कि वो पानी के रास्ते ही जाते हैं और इन लोगों का रोजगार इनकी छोटी छोटी नावों से ही होता है। ऐसे में अगर इस नदी पे पुल बना दिया जाए तो इन लोगों का रोजगार इनसे छिन जाएगा। इन सबके अलावा इस नदी पे पुल ना बनाने का सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण। दरअसल अगर इस अमेजोन की नदी पे पुल बन जाए तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है हम इंसान, जो कि हम लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए करते हैं अगली वीडियो की तैयारी।